हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने दो दिन पहले, तीन दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं, और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है, और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम राम सत्य भी करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भी आतंकवाद को बोझ मान रही है, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? ये समाज के बोझ हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है, और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, ये इनके हाथ थे, और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। बहनों और भाइयों, आज जो ये कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है।